मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ताज़ा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल के मंत्री को सुविधाएं मिल रही है। इस वीडियो में कुछ लोग सत्येंद्र जैन के कमरे की सफाई करते नजर आ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि मंत्री होने के कारण सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि 7-8 लोग 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि ये लोग जेल के ही हैं या बाहर से आ रहे हैं। अब तक सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें वो बाहर से लाया गया खाना खा रहे हैं, कुछ लोग उनके पैर दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। आइए देखते हैं नए वीडियो में क्या है। वीडियो में जेल की एक सेल दिखाई दे रही है। इसमें कुछ कर्मचारी साफ सफाई करते हुए और बिस्तर संभालते नजर आ रहे हैं। 2 मिनट का ये वीडियो अक्टूबर का है तो वहीं दूसरा वीडियो सितंबर का है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जैन तिहाड़ में ही बंद हैं। उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई लेकिन 5 महीने में उन्हें एक भी बार बेल नहीं दी गई। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें जेल में स्पेशल फूड की मांग की गई थी। जैन ने जेल में ड्राई फ्रूट्स और फलों की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड पहली नजर में दिखाते हैं कि जेल अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन को फल और सब्जियां प्रदान करके तरजीह दे रहे थे। अधिकारियों ने इसके लिए जेल नियमों का भी उल्लंघन किया है।